सीपीआईएम के आंचल सचिव बालेश्वर पासवान जी हैं, पर्चाधारी के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अभी अनुमंडल कार्यालय में आए हुए हैं, क्या कहेंगे? न्याय हिलसा के मैंने एक आवेदन पत्र हिलसा के पद अधिकारी जी को दिए हैं। उन्होंने वादा किए कि मैंने जो हिलसा नगर परिषद प्लस जो देहात में सरकार द्वारा जो भी मिला है अभिलंब उसको नापी करवा के दखल करवाएंगे, और जो 1984 और 85 में जो हिलसा में नगर पंचायत था और नगर परिषद अब हो गया है, इसलिए उस समय परित था, लेकिन इसके पूर्व जितना भी अनुमंडला पदाधिकारी हो, अंचलाधिकारी हो, थाना वाला जाए, जब वहाँ का पर्चाधारी यहाँ से जाए तो वह कहे कि ठीक है हम बंद करवा देते, लेकिन आधा जो पर्चाधारी है कई 84 को हैं, वह पर्चाधारियों के मकान में आधा में यहाँ का सामंती द्वारा दखल करवा लिया गया और मकान 2 महला 3 महला उठा लिया गया। उसके बावजूद यहाँ का जो भी पर्चाधारियों हाई कोर्ट के आदेश है प्लस आपका भी अपर समर्था का भी आदेश है कि अविलंब जमीन को खाली करवा कर जो पर्चाधारी भूमिहीन है, अनुसूचित जाति है, मुस्लिम लोग हैं, उनको अल्पसंख्यक को अविलंब दिया जाए। लेकिन हमारे जो अभी वर्तमान में अनुमंडला पदाधिकारी जी हैं, वह कहें कि हम जमीन को अंचलाधिकारी आवेदन भेज दिए हम लोग का, और कहें कि मैंने तुरंत उसको खाली करवाऊंगा। बहुत अच्छा की बात है कि हमारे अनुमंडला पदाधिकारी 2 महीना ज्वाइन करे, वो बहुत अच्छा की बात है, वह वादा हम लोग से किए हैं। साथ ही साथ यहाँ का जो अनुमंडला जिलाधिकारी हैं, वाने न पढ़े हैं सीलिंग एक्ट कौन धारा में क्या हुआ, न गजट पर हैं, जबकि यहाँ का जिलाधिकारियों को मैंने गजट का कॉपी दिया एवं आपका 1962 में सीलिंग एक्ट लागू हुआ, सबसे पहले हिलसा में आपका 84 और 85 में, उसके बाद पूरा हिलसा अनुमंडल में आपका पड़ा 1991 में, जबकि लालू जी की सरकार शुरू स्थापना हुई थी और मुख्यमंत्री बने थे, उसी समय परवलपुर प्रखंड के अंतर्गत आपका अलामा, किस्तीपुर, पिल्लिस और जोगा अभिघा मिला था। साथ साथ यहाँ का जो भी उसी तरह से हिलसा अनुमंडल के प्रखंड के अंतर्गत हिलसा प्रखंड के अंतर्गत आपका मिला था मराची, मानपुर, जुनियार, नवडीहा और साथ ही साथ मिला था रजवा भी, और उन्हें आपका लरुआड़ी भी मिला था। लेकिन यहाँ का जो पदाधिकारी सरकार के ओर से चिट्ठी आई थे रहा, और यहाँ का जो पदाधिकारी हो वह झूठ मूठ मुख्यमंत्री भूमि सुधार विभाग में दिया कि मैंने सबको जमीन दखल करवा दिया, लेकिन यहाँ का जो पहले के अधिकारी, मैं यह पूछना चाहता हूँ डीएम साहब से कि आपने खुद ही जमीन को पर्चाधारी पर दखल है, अनुमंडला अधिकारी का दखल है, भूमि सुधार उप समर्था हिलसा का दखल है और अंचलाधिकारी का है, यह तमाम वह हमारे पर्चाधारियों के ऊपर पर्चाधारी पर पर्चा का ऊपर लिखा हुआ, और 1991, 1992, 1984 में तमाम पर्चाधारियों ने रसीद कटवा लिया है और अभी तक रसीद कट रहा है। लेकिन मैं यह जिलाधिकारी से मैं पूछना चाहता हूँ, जरा एक पढ़िए रसीद क्या काटा, रसीद ने क्या काटा, आपका अंचलाधिकारी आपके आधे वह रसीद के वैल्यू नहीं दे रहे हैं, और वह रजिस्टर टू पर कुछ के चढ़ा हुआ है, कुछ के नहीं चढ़ा हुआ। मैंने उनसे निवेदन कर दो कि सीलिंग एक्ट पढ़िए, गजट पढ़िए, 1962 में गजट हुआ सरकार का और 1970-71 में आपका सीलिंग एक्ट हुआ और 84 से लेकर 91-92 में हिलसा अनुमंडल से, इसलिए मैं फिर से कलेक्टर साहब को पढ़िए और जो जमीन को मिला पर्चाधारियों को वह जमीन आपको स्वयं आकर बंटवाइए, अगर नहीं बंटवाइएगा तो यहाँ का जो पर्चाधारी है स्वयं जमीन पर जाएगा, माल आते आपका मकान खाली करवाएगा, जिसकी अगर किसी तरह का घटना होगा तो सारा जिम्मेदारी यहाँ का अनुमंडला पदाधिकारी, यहाँ का कलेक्टर जिम्मेदारी होंगे।